हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर टिक्के की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाना आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए पनीर टिक्का बनाना शुरू करें। सबसे पहले बाउल ले लेंगे, इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसके बाद हम भुना हुआ बेसन डाल देंगे। बेसन को हमने 2 से 3 चम्मच तेल में भून लिया है। इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी और दही मिला लेंगे। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमारा बैटर तैयार है और इसमें पनीर डाल देंगे। इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें प्याज भी डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इनको आग से मिक्स कर लें ताकि पनीर टूटेगा नहीं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर फ्रिज में आधा से 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब नॉन स्टिक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। अब इस पर पनीर रख देंगे। पनीर, शिमला मिर्च, प्याज सब चीज़ों को ऐसे रख देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को पलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। इनको चारों तरफ से ऐसे अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे पलट पलट कर सभी चीज़ों को अच्छे से सेक लेंगे। हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए पनीर को भी ऐसे सेक लेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का बनकर तैयार है। इसे हम तवे पर या नॉनस्टिक पैन पर आसानी से घर पर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।